आतंकी मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने की राह में चीन ने एक बार फिर रोड़ा अटका दिया है। भारत ने चीन पर आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 15 देशों में चीन अकेला ऐसा सदस्य है जिसने प्रस्ताव का एक बार फिर विरोध किया और भारत की ओर से अजहर मसूद पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। चीन के इस रवैये पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। दरअसल पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को आतंकी सूची में शामिल कर प्रतिबंध लगाने के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश हुआ था। भारत के इस प्रस्ताव पर पहले भी चीन ने मार्च में तकनीकी अड़ंगा लगाया था और 30 दिसंबर को उसकी 6 महीने की अवधि खत्म हो रही थी। सुरक्षा परिषद में चीन ने कहा कि प्रस्ताव में तकनीकी खामी दूर नहीं हुई है, इसलिए उसका रुख वही रहेगा जो पहले था। चीन के इस कदम पर भारत ने हैरानी जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि चीन का यह निर्णय आश्चर्यजनक है क्योंकि चीन खुद भी आतंकवाद से पीड़ित है। इससे आतंकवाद के खिलाफ चीन का दोहरा रवैया स्पष्ट हो जाता है। आपको बता दें कि अगर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित कर दिया जाता है तो उसकी संपत्तियां जब्त हो जाती और इसके साथ ही यात्रा करने पर भी उसकी पाबंदी लगा दी जाती। चीन के इस दोहरे रवैये पर भारत की अगली रणनीति क्या होगी ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि भारत मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कुछ और आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रख सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।